और जिस घर में नदीर काया दरे जागर बरके बचा करे दरबीर मर्द का मेला बताया उड़गी के दीवे दशा करे तेरे बेटे से ये न्याई मके नाथी उनकी ब्याई मेरी कौन लाज बचाई बचाई आप बताली लाज बताली आप बताली लाज बताली आज बताली मेरी सासू मेरी सासू क्यर सन मुस्कुराई तेरे धर्म जवारी में शर्मनाई गणिष्ठाई दा बलाई मेरी सासू देखिए भाई बातें इसी हुए आकर जड़े सारे मिल रहे हूं सब ने चलना चाहिए पर यू आकड़ खींच गया बस की गेर चलना पड़िया तो सुलझ जाए उड़ आदमी है ना बह जा नहीं थोड़ा बहुत कैसे धोखा करया पहली बात तो हमने तू कदे टकराया नहीं और आज टकरा के धोखा कर रही तूतरा तो गांगा ला ले भाई अरे धोखा कती नहीं देखो ये तो मेरे तो किम ना किम बड्डा ही होगा धोखा के ही भी इसने गा दिया तो मैं गान लाग रहा और मैं गा दूंगा जब यू गा देगा वो तेरा चिपटते ना और किम करते ना भाई ये भाई गाओ रे पब्लिक का मजा यो
कैसे भला? बुढ़िया बोली नजर फला दे, बुढ़िया बोली नजर फला दे, मुंह दिखा बहू पल्ला ठाके, मुंह दिखा बहू ऊपर सीने हाथ लगा दे, ऊपर सीने हाथ लगा दे। कर्म करे ने याद करे संसार तने, खुश हो जा गाम धनाना, वो सोना बेरम कगाना, नगरिया ते गाट बचाना बचाना। खटक लगा दी पटक लगा दी, खटक लगा दी पटक लगा दी, खटक लगा दी मेरी सासू, मेरी सासू, मेरी सासू मेरी,
ये आवाज ओहने ऊपर जावा न्यारी हो तड़ जावा न्यारी हो आ जाओ इनके गावा क्या मैं सुनता ना खैर खैर कर रहा है कुत्ते कुत्ते टाउन की आवाज नहीं मातारी क्यों लोग दिखावा रोवे मातारी क्यों लोग दिखावा रोवे बसाया घर खोजी मातारी तू गंगा कैसी होगी सावन आई मातारी तू लोग दिखावा जान में कई डाल का सौदा बदलना पड़ा है एकदम मंदार एक बचे भाई यो असली रंग का डो है मेरी तीन जन्म की यारी थी चार करया बड़ी कोशिश करया
Bye.
मेरा बता था ये बता दे मेरा ये बता दे मेरा न्यू कैसे गाना बता मगा मेरा ये बता दे। नौकर चाकर टहल करने वाले थे, सब ने जाकरानी दमयंती से बताया कि महारानी जी बड़े जुल्म हो गए कि महाराज गुजवा खेलते हुए कई रोज हो गए और हमने उनको बहुत समझाया परंतु हमारी नहीं मानी, आप हमारा साथ दीजिए, शायद आपके कहे से जुए की इनकार कर दें। रानी दमयंती जाकर अपने पति से कहती है, महाराज जरा खेल बंद करके सुनो, इसने ठीक कर ले भाई तो कित गया। राजा नल ने दमयंती की बातों का कोई असर नहीं हुआ और जुए का खेल जारी रहा। बताते कि सारा राजपाट जिता देते हैं। रानी दमयंती ने सोचा कभी ऐसा ना हो कि तेरे को भी और बच्चों को भी जुए पर जिता दे, कम से कम इन बच्चों को तो कुंदन पर भेज दे। अपने बूढ़े सारथी को बुलाया और उसे कह दिया कि आप एक काम कीजिए के इन दोनों बच्चों को, इंद्रावती और इंद्रसेन, इनको हमारे घर कुंदन पर भेज दें, आपकी ये बड़ी मेहरबानी होगी। और उस बच्चों को अर्थ में बैठा देती है और रानी वो बच्चे रो गए और अपनी माँ के गढ़ में घल के विलाप करने लगे, माँ तुम कहाँ जाते हो, हम भी आपके साथ चलेंगे, के बेटे तुम चलिए पहले और हम भी तुम्हारे साथ ही आते हैं। परंतु वो बच्चे थे वो जिद कर जाते हैं और रो कर अपनी माँ के गढ़ में घल के कैसे ओ मामा के मती गालिए हो मारे रो रो आंसू आलिए एरी तेरे बिना जी लागे कोना चल जड़े ने जानिए मामा के मत गालिए रो रो आंसू आलिए राज गया घर बार गयारी पर कोई करे ना महिदा दुख दुख मखीर ई बड़ा सुखे दिन मारे जानिए सबने से इस बात का बेरा राम की तय सुनता हो मेरा हम दुखिया रहने खा लिए मामा के मत गालिए रो रो आंसू आलिए तेरे बिना या नहीं मिले
तेरे लाड आखरी मानिए मामा अच्छा इब कमरा दे दिया बूढ़ा बूढ़िया पढ़ रहे रोटी खाके और तड़के उठकर काउंटर पे आगे आगे बोले हाँ भाई बिल दिए इब उस होटल मालिक ने 400 रुपये का बिल पकड़ा दिया उसने वो बोले आ रहे 400 क्या के बोला कि 200 कमरे के 200 खाने के न बोला जब रे कमरे कमरे में लौटे रोटी तो हमने खाइए नहीं खाना खाया है कौन है न बोला जी खाना खाओ या ना खाओ खाना तैयार था बिल तो आएगा बब्बू डाल खाया का अच्छा बिल आवेगा अखा न बोला उड़े पकड़ा है कागज और कागज लेकर उस पर कागज लेकर उस होटल मालिक पे और उस 500 रुपये लिख के और उल्टा सरका दिया ने बोला ले 400 काट ले 400 मन दे दे वो बोले 400 क्या क्या मांग है ने बोला तो मेरी अब बुढ़िया छेड़ी है बोला हमने तो छेड़ी है कौन है ने बोला भाई छेड़ो चाहे ना छेड़ो या प्यार थी बिल तो आवेगा